हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल कुक विद ग्लोरी 26। ये है प्लम केक। ये बनाने में बहुत आसान है, बिना अंडे का है, बिना रम का है और बिना ओवन का ये केक बन सकता है। ये मैंने गैस पर पकाया है। आप इसमें जितना चाहे नट्स डाल सकते हैं और जूस डाल सकते हैं, ऑरेंज जूस, और बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ मैंने एक बाउल में काजू मैंने टुकड़े करके लिए हैं, छोटे टुकड़े। देखो, ये मैंने 3-4 चम्मच ले लिया है। फिर इसमें मैंने थोड़े बादाम के कतरन डाले हैं और काली किशमिश और गोल्डन किशमिश। किशमिश को मैंने 2 में टुकड़ा कर दिया है, 2 में काट लिया है, और ये पूरा मैं अभी इसमें डालने काजू के साथ डाल रही हूँ। यहाँ मेरे पास थोड़े अखरोट के टुकड़े हैं, तो वो भी डाल रही हूँ मैं। ये भी 2-3 चम्मच डाल रही हूँ मैं। मेरे पास ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं थे, जो भी था मेरे पास मैंने वो डाल दिया है। देखो, इसे मैंने मिक्स कर लिया है अच्छे से। ये मेरे पास 1/2 कप ऑरेंज जूस है, ये मैंने फ्रेश ऑरेंज जूस निकाल के लिया था। ये मैं इसमें डाल दूँगी। सारे ड्राई फ्रूट्स उसमें भीग जाना चाहिए पूरी तरह से। देख, ये सारे ड्राई फ्रूट्स सोख होने चाहिए पूरी तरह से इसके अंदर। उतना जूस डाल देना है इसमें। अब इसे मैं 24 घंटा रख दूँगी ढक्कन लगा के। 24 घंटे के बाद मैं इसे फिर से चेक कर लूँगी। दूसरे दिन मैंने यहाँ पर एक बर्तन में चीनी लिया था, 3/4 कप लिया था मैंने, और इसे मैंने ऐसे फैला के डाल दिया है बर्तन में। इसे हमें कैरमल बनाना है। कैरमल बनाते वक्त बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, एकदम धीमी आंच पर इसे छोड़ देना है। ये अपने आप पिघल के कैरमल बन जाएगा इसका। थोड़ी देर में आप उसको चला सकते हैं, चीनी मेल्ट होने तक आपको इसको चलाना है। देखिए ये कितना अच्छा कलर दे रहा है। देखिए, ये अपना कैरमल तैयार हो गया है ऐसा। हाँ, ये देखिए कलर इसका। अब इसको मैंने एक बॉल में निकाल लिया है, पूरा नहीं निकाला है मैंने, 3/4 कप निकाल दिया है मैंने। इसमें थोड़ा सा रख दिया है, ये बहुत ही गर्म है। इसमें मैंने गुनगुना पानी डाल दिया है, 1/2 कप गुनगुना पानी डाल दिया मैंने इसमें। अब ये पानी ज़रा उसमें सोख लेगा, उबल आएगा इसमें। तो हमें जो हमने कटोरी में निकाल के रखा है कैरमल, उसे हमें धीरे धीरे इसके अंदर डाल के मिलाना है। अगर हम उस वक्त डालते थे ना पानी, तो ये पानी पूरा ऊपर आ जाता था और एक्सीडेंट होने का चांसेस होता था। तो मैंने इसको पहले बोल में थोड़ा निकाल लिया है। देखिए, निकाल दिया मैंने, डाल दिया मैंने इसके अंदर पूरा। देखिए, अब ये पूरा पिघल जाएगा। मैंने 2 चम्मच पानी और डाल दिया है मैंने इसमें। इसे मैंने हटा दिया है। यहाँ मेरे पास 1/4 कप ऑरेंज जूस है, इसे मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। गैस ऑन कर दिया है। इससे एक उबाल आएगा, तो इसके अंदर मैंने 75 ग्राम बटर डाल दिया है। अब बटर पिघलने तक इसे उबाल लेना है। पिघलने तक उसे थोड़ा चलाते रहना है। ये उबल जाएगा, तब मैंने इसमें ना 5 चम्मच चीनी डाला है। आप इसमें ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, मेरे पास ब्राउन शुगर नहीं था तो मैंने अपना नॉर्मल शक्कर जो होता है सफ़ेद वाला, वो डाल दिया है मैंने। अभी शक्कर पिघलने तक इसे उबाल लो। ये हो गया है। इसमें मैंने जो कैरमल बना के रखा था वो डाल रही हूँ। इसे पूरा ही डालना है इसके अंदर। इसे उबाल लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी देख लेना है।
ये जब उबल जाए चेक करते रहना इसको। देखिए अब मैं इसमें जो 24 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा था ड्राई फ्रूट्स, देखिए ये इस तरह हो गया है ये, तो ये मैं उसमें ऐड कर दूंगी। पानी नहीं डालूंगी उसका, यानी जूस नहीं डालूंगी, खाली ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी उसके अंदर। पूरे ड्राई फ्रूट्स निकाल के और इसे मिक्स कर लिया है मैंने। अब ये जो बचा हुआ जूस है इसे बिल्कुल फेंकना नहीं है आपको, इसे हमें बाद में यूज़ करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये उबलने लगा है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए पानी का कितना चाहिए, थोड़ा पकने दीजिए इसे। देख ले इसकी कंसिस्टेंसी कितना है। इसका मैंने गैस ऑफ कर दिया है, इतना ही चाहिए था हमें। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में, यहाँ कढ़ाई में मैंने एक रिंग रखा है पहले, फिर एक स्टैंड रख दिया उसके ऊपर मैंने, और ढक्कन लगा के गैस ऑन कर दिया। इस कढ़ाई गर्म होने तक मैंने यहाँ पर बटर पेपर लगा कर लिया है केक टिन को। फिर एक बोल में मैंने मैदा छान कर ले रही हूँ, एक कप मैदा लिया है मैंने, इसे मैं तीन बार करके छान रही हूँ। मेरी छन्नी बहुत छोटी है इसलिए मुझे तीन बार करना है। ये तीसरी दफा भी ले लिया है मैंने। ये मैंने एक चौथाई चम्मच लौंग का पाउडर लिया है, ये आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर है, और ये मैं दो चुटकी डाल रही हूँ नटमेग का पाउडर या जायफल का पाउडर। ये सब मैं छान कर ले रही हूँ। यहाँ मैंने दो चम्मच कोको पाउडर लिया, इसे भी छान लिया है मैंने। मैंने अभी इसमें बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाला नहीं है मैंने इसमें, इसमें सिर्फ मैंने कोको पाउडर डाला और बाकी मसाले डाल दिए हैं मैंने इसमें। ये छानना बहुत ज़रूरी होता है कि तो थोड़ा सा एयर इनकॉर्पोरेट होता है इसके अंदर। अब इसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह से, हल्के हाथों से मिक्स करना है इसे। और वो जो मिक्स हमने ड्राई फ्रूट्स का बना के रखा था कैरमल के साथ में, उसे इसमें ऐड करना है पूरी तरह से, पूरा ही डाल देना है इसमें। अब इसे आपको मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाइए। देखिए ये बहुत थिक हो गया है, देखें देखो गिरता नहीं है, बहुत थिक है। अब ये ऑरेंज जेस्ट है, ये इसे इसमें डालना है हमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे, ज़रूर डालना है इसे। ऑरेंज जेस्ट और लेमन जेस्ट ये दोनों भी डाला है मैंने इसमें, देखिए थोड़ा और डाल दिया मैंने ऑरेंज जेस्ट, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसमें अभी हम सोक किया हुआ जो जूस था ऑरेंज जूस वो बचा हुआ था उसमें से दो दो चम्मच करके इसमें ऐड करते जाएंगे हम और मिलाते जाएंगे। देखिए दो चम्मच पहले डाला था, अब दो चम्मच डाल दिया मैंने, और चेक करना है इसका कंसिस्टेंसी। देखिए गिरता है क्या, नहीं थोड़ा फ्लो कम है इसका, तो और थोड़ा जूस डाल देंगे। वैसे ये पूरा ही जूस लगता है इसमें, अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसे। और मेरे पास ड्राई फ्रूट्स और बचे थे,
काजू डाल दिया है मैंने टुकड़े, और बादाम के कतरन भी डाल देती हूँ मैं इसके ऊपर से। देखें अब इसे मिक्स करना है अच्छे से। ये बचा हुआ जूस भी डाल दिया मैंने। इसमें चुटकी भर नमक डालना है। चुटकी भर नमक डालने से उसका मिठास का मिठास एनहांस होता है। यहाँ एक चम्मच वेनिला एसेंस मैंने डाल दिया है। कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी। अब मैं इसमें छान रही हूँ बेकिंग पाउडर एक चम्मच और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। ये दोनों भी मैं छान कर डाल रही हूँ इसमें। ये मैं आखिर में डाल रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग देख तो लेते हैं ना, लाइक करते हैं ना, शेयर करते हैं ना, कमेंट्स देते हैं। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये हो गया हमारा मिक्स करके पूरे तरह से। अब हम इसे केक टिन में डाल देते हैं। ये पूरा ही मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब इसे दो बार टैप कर दीजिए टेबल पर। उसके बाद उसे कढ़ाई में धीरे से उतार के रख दीजिए। इसके ऊपर ढक्कन लगाकर 40 से 50 मिनट इसे हमें बेक करना है। अभी ये 40-50 मिनट के बाद में आप चेक कर लीजिए। देखो इसे आपको चेक करने के लिए छुरी इस्तेमाल करना है या तो टूथपिक इस्तेमाल कीजिए। छुरी अगर क्लीन आता है तो केक पक गया है। तो ये मैंने निकाल लिया है प्लेट के अंदर। थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो मैं इसका पेपर, बटर पेपर निकाल दी हूँ मैं। देखिए थोड़ा ठंडा हुआ था तो मैंने निकाल लिए हैं। अब ये बहुत गर्म है, इसे मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। दूसरे दिन मैंने इसे निकाल के देखा है, ये दूसरे दिन सुबह में इस तरह सेट हो गया है पूरी तरह से। अब मैं इसे काट कर दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी बनी है केक, बहुत ही अच्छी, यानी यहाँ पर हमें सबको पसंद आया है। देखिए इसके ड्राई फ्रूट्स देखो, आपके पास जितने ड्राई फ्रूट्स हो सब डाल दीजिए, आपको जो पसंद है वो सब। मेरे पास नहीं थे ज़्यादा तो मैंने उतना ही डाला है। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करके देख लीजिए इस मेरी स्टाइल में, आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।